दोस्तों, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम BMS किसी भी फुली ऑटोमेटेड होटल, टावर, मॉल, हॉस्पिटल या स्टेडियम, इन शॉर्ट में मैं कहूँ तो फुली ऑटोमेटेड बिल्डिंग के इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स को चलाने के लिए, उनको रन करने के लिए, जिससे बिल्डिंग चलती है, उसके ऑपरेशन के लिए हम बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम BMS का यूज़ करते हैं दोस्तों बिल्डिंग के जितने भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम होते हैं, उनके कंट्रोलिंग के लिए, उनके ऑपरेशन के लिए, और कंट्रोलिंग के लिए और उनकी मॉनिटरिंग के लिए हम बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं। अब इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम जो बिल्डिंग को चलाते हैं, फुली ऑटोमेटिक बिल्डिंग को चलाते हैं, कौन से कंट्रोलिंग वाले सिस्टम होते हैं, कौन से मॉनिटरिंग वाले सिस्टम होते हैं और उनमें कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जो लोग बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम BMS को सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं अब इसी सीरीज़ में बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम की कई सारे वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें से पहली वीडियो ये है। दोस्तों, आप मेरी सारी वीडियो को पूरा पूरा देखेंगे और मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जाऊँगा, तो आप बहुत ज़्यादा बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम को सीख जाएंगे दोस्तों। तो अगर आप बाकी में सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो वीडियो मेरी सारी देखिएगा। और आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो द इंजीनियर एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए नीचे एक रेड कलर का बटन दबा के, साथ में बेल का आइकन का बटन आएगा दोस्तों, उसको भी दबा दिएगा, और सब्सक्राइब का बटन है उसको तो दबाए दिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम BMS की। देखिए, मैं जब भी कोई बताता हूँ आपको कोई भी सिस्टम, तो पहले मैं रेफरेंस लेके चलता हूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ दोस्तों, बहुत सारी वीडियो आएंगी इसमें, तो कोई भी जो बिल्डिंग होती है, मैं एक टावर का एग्जांपल ले रहा हूँ। एक टावर है 13 फ्लोर का और उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम लगे हैं बिल्डिंग को रन करने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल दोस्तों, फायर फाइटिंग पंप, ठीक है, फायर फाइटिंग पंप लगा है, जिससे अगर फायर आता है उस बिल्डिंग के अंदर, तो उसमें सारे जो है फायर फाइटिंग करी जा सके, ठीक है। तो इसकी कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग जो होगी BMS सिस्टम से होगी। दूसरा दोस्तों, FAHU, जिससे कि जो आपके टावर के अंदर, बिल्डिंग के अंदर जो फ्रेश एयर देता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि जो टावर्स होते हैं दोस्तों, वो फुली ऑटोमेटेड होते हैं, वो फुली पैक्ड होते हैं, तो वो उसको फुली बिल्कुल फ्रेश एयर देते हैं बाहर की, FAHU का होता है, ठीक है दोस्तों। इसको कहते हैं दोस्तों फैन हैंडलिंग यूनिट भी कहते हैं इसको, FAHU को एयर हैंडलिंग यूनिट भी कहते हैं इसको, ठीक है दोस्तों, एयर हैंडलिंग यूनिट, ठीक है। उसके बाद क्या आते हैं, आपके एग्जस्ट फैन आते हैं, जो आपके अंदर की के का जो ह्यूमिडिटी है, या फिर हम कहें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है, उसको एग्जस्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है, एग्जस्ट फैन होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, इसकी कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग के लिए। तो अब मैं आपको एक एक करके बताता जाता हूँ, आप देखते जाइए। तो पहले मैं देखिए एग्जांपल लेता हूँ फायर फाइटिंग पंप का, और भी बहुत सारे हैं दोस्तों इस लाइन में, तो मैं आपको बताता जाऊँगा। पहले फायर फाइटिंग का लेते हैं, तो फायर फाइटिंग पंप जो कि मॉनिटरिंग होगी और कंट्रोलिंग होगी BMS सिस्टम से, तो इसके कौन कौन से पैरामीटर थे दोस्तों। देखिए, मॉनिटरिंग होगी, पहले मॉनिटरिंग कौन कौन होगी कि जब भी फायर आता है, फायर फाइटिंग पंप चल रहा है नहीं चल रहा है, वो ग्राफिक्स में देखते हैं दोस्तों। और सारी मॉनिटरिंग जो होती है दोस्तों, कंट्रोलिंग जो होती है, ग्राफिक्स स्टेशन होता है दोस्तों BMS सिस्टम का, जो आपको मैंने दिखाया भी था, उसके थ्रू जो होती है इसकी मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग होती है, ऑपरेशन भी वहाँ से होता है, ठीक है। तो वो फायर फाइटिंग पंप चल रहा है नहीं चल रहा है दोस्तों, फिर उसमें एक फायर फाइटिंग पंप होता है, इलेक्ट्रिकल पंप होता है, डीजल पंप होता है दोस्तों, और जॉकी पंप होता है, फिर उससे प्रेशर कितना है अभी, इन तीनों का, तो वो सारा आप मॉनिटरिंग में देख सकते हैं। फिर कंट्रोलिंग में मॉनिटरिंग में देख सकते हैं। कंट्रोलिंग में क्या होता है दोस्तों, आपको अगर फोर्सफुली रन करना है फायर फाइटिंग सिस्टम, तो वहाँ से आप रन कर सकते हैं। आप वहाँ से जो है टेम्परेचर सेट कर सकते हैं कि कितने पे आपका जॉकी पंप स्टार्ट होना चाहिए, कितने पे आपका इलेक्ट्रिकल पंप स्टार्ट होना चाहिए, कितने प्रेशर पे आपका जो है डीजल पंप स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, ऐसे पैरामीटर्स होते हैं। फिर होता है FAHU, फैन एयर हैंडलिंग यूनिट दोस्तों, जो फ्रेश एयर देती है आपके टावर को, बिल्डिंग को, फुली ऑटोमेटेड को, ठीक है। तो देखिए फ्रेश एयर, उसके क्या क्या पर कंट्रोलिंग के दोस्तों, क्या होता है कि अभी ह्यूमिडिटी कितनी है अंदर बिल्डिंग के अंदर, ये अभी ये दोस्तों ये मॉनिटरिंग का है, ठीक है। उसके बाद बाहर कितनी है दोस्तों ह्यूमिडिटी, इंटरनल टेम्परेचर कितना है दोस्तों, ठीक है, और हम
ठीक है, और हमारा FAHU भी चल रहा है नहीं चल रहा है, ये सारी हमारी मॉनिटरिंग मोदी कंट्रोलिंग में। दोस्तों हम टेम्परेचर सेट कर देते हैं कि हमें 20 डिग्री का फ्रेश एयर चाहिए दोस्तों, उतने टेम्परेचर पे मतलब इतनी कूल एयर अंदर वो भेजता रहेगा, ठीक है। 70 पे आप कर दिए, इतनी कूल एयर अंदर भेजता रहेगा FAHU में, ठीक है, इतना आप सेट कर देंगे, ठीक है। वहाँ से फायर रीसेट कर सकते हैं, फायर रीसेट का भी आपका फायर आता है तो FAHU आपका बंद हो जाएगा, तो वहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों FAHU हो गया, एग्जॉस्ट फैन हो गया। एग्जॉस्ट फैन का दोस्तों क्या होगा कि आपके 3 स्पीड में चलाना है, 1 में 2 में 3 में, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। फिर आपको स्पीड कितनी लगनी है, स्पीड कितनी लगनी है एग्जॉस्ट फैन की, तो आप वो भी सेट कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों आपका FCUs आते हैं, फैन कॉल यूनिट, जो आपके AC जिससे कूलिंग होती है दोस्तों, वो चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है। बहुत सारे होते हैं पूरी टावर में, सबका एक इंडिविजुअल ग्राफिक्स होती है, ठीक है, वो चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं कंट्रोलिंग वाला दोस्तों, पहले मॉनिटरिंग का बता रहा हूँ। मॉनिटरिंग में क्या होता है, स्पीड कितनी है दोस्तों, ठीक है, ग्राफिक्स सब चल रहा है नहीं चल रहा है, उसका एक्चुएटर चल रहा है नहीं चल रहा है, जिससे वाल्व ओपन होगा पानी का और उस वो जो जाएगा उसके अंदर जाएगा, कोल्ड वाटर जाता है FCU के अंदर और उसके अंदर फैन होता है, फैन चलता है तो उससे कूलिंग होती है, ठंडी हवा आती है दोस्तों, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है। और कितनी ठंडी हवा इंटरनल है और कितना वो दे रहा है, ठीक है, वो सारे पैरामीटर आते हैं आपके मॉनिटरिंग में। फिर कंट्रोलिंग में स्पीड कितनी आपको रखनी है, टेम्परेचर कितना रखना है, 17 पे रखना है, 18 पे रखना है, 12 पे रखना है इंटरनल का, ठीक है। जैसे AC को आप सेट करते हैं ऐसे उसके सारे पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। FCUs हो गए दोस्तों। फिर आपके होते हैं जैसे आपको जनरेटर रूम है उसकी मॉनिटरिंग करनी है, मीटर रूम है उसकी मॉनिटरिंग करनी है, आपके DB रूम होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होते हैं इलेक्ट्रिकल का, उसकी मॉनिटरिंग करनी है ऑन है या ऑन नहीं है, ठीक है, ये मॉनिटरिंग हो गई। कुछ देखो इक्विपमेंट होते हैं कंट्रोलिंग है, कुछ होते हैं मॉनिटरिंग के, तो जो किसी में केवल मॉनिटरिंग की जाती है, किसी में कंट्रोलिंग करी जाती है, ठीक है। DB है उसकी केवल मॉनिटरिंग की जाती है, जनरेटर रूम में उसकी केवल मॉनिटरिंग की जाती है, मीटर रूम में उसकी मॉनिटरिंग की जाती है, कितने मीटर चल रहे हैं कितने नहीं है, क्या इंडिकेशन है, ऑन है ऑफ है, ठीक है दोस्तों, ये हो गए। फिर उसमें दोस्तों आपके और कौन कौन से होते हैं, अगर आपका UPS उससे जुड़ा हुआ है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, तो वो ऑन कंडीशन में है या ऑफ कंडीशन में, वो सारा बताएगा। फिर आपके गेट बैरियर जुड़े होते हैं दोस्तों, गेट बैरियर ऑन है या ऑफ है। फिर लिफ्ट जुड़ी होती है दोस्तों, लिफ्ट ऑन है ऑफ है, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी बिल्डिंग के इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अब जैसे आपके स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल के जकूजी पंप होते हैं दोस्तों, ठीक है, जो स्विमिंग पूल में पानी भेजते हैं चलते हैं, तो तीन तीन होते हैं दोस्तों वो। फिर उसके बाद दोस्तों होता है आपका सेकेंडरी पंप होते हैं, चिल्ड वाटर सेकेंडरी पंप, जो आपके टावर में पूरे ठंडा पानी पहुंचाते हैं इन FCUs को, ठीक है, वो तीन होते हैं। तो वो उनके पहले मॉनिटरिंग होती है, फिर उसकी कंट्रोलिंग होती है। मॉनिटरिंग में दोस्तों क्या क्या होते हैं कि हमने अगर डिमांड दे रखी है 2 पंप के, तो 2 पंप चलेंगे, ठीक है, और इतनी स्पीड पे चलेंगे दोस्तों, ये मॉनिटरिंग होती है। और कंट्रोलिंग उसके ऐसे होती है, स्पीड आपको कितनी सेट करनी है दोस्तों, पंप कितनी डिमांड की देनी है आपको, ठीक है, वो सारे कितने पंप चलाने हैं, ये सारे उसके कंट्रोलिंग में आता है, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों होते हैं, ये तो आपके FCU के लिए पंप होते हैं। फिर पंप दोस्तों दूसरे होते हैं, जो आपके टावर में पानी भेजते हैं, वो भी 3 या 4 जितने भी होते हैं, उनकी मॉनिटरिंग होती है, चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, सेकेंडरी पंप की तरह, चिल पावर पंप की तरह। तो ऐसे ही जितने सारे इक्विपमेंट होते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिक सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, फायर फाइटिंग के सिस्टम्स होते हैं जैसे मैंने बताया, उन सब के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम की मॉनिटरिंग बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम से होती है दोस्तों। तो मैं आपसे ये कहूँगा दोस्तों, ये अभी आखिर में वीडियो आ गई, इसको पूरी देख लिएगा, ये मैंने प्रैक्टिकली बताया है इसको, और नीचे लिंक में भी डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा इसका, प्रैक्टिकली बताया बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम का, इस वीडियो को जरूर देखिए, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है दोस्तों, सारे वीडियो में। तो इस वीडियो को जरूर देख लिएगा दोस्तों, ठीक है, और उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में बता देगा, मैं ऐसी आगे और सारी वीडियो बनाऊंगा इस पर, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम पे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो प्रैक्टिकली वीडियो मैंने आपको बताई है वो जरूर देख लिएगा नेक्स्ट में, ठीक है, और वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा उस वीडियो को जरूर देखें, फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है, आगे की वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।